इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस का 112 ये इमरजेंसी नंबर जो है ये भी यात्रा में आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आपको लगता है कि यात्रा में कहीं भी किसी भी जगह पे आपके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है या आपको कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप जो है, या फिर कोई भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो तो आप 112 की तरफ से जो है 112 के माध्यम से ये जो मदद है ये मांग सकते हैं या कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पूरे यात्रा रूट पे पुलिस कर्मी जो है ये पूरा टाइम अवेलेबल रहेंगे, तो आपको कोई भी समस्या आती है इसके अलावा भी तो आप इमीजिएटली वहाँ पे जो भी पुलिस कर्मी होंगे उनसे संपर्क कीजिए, आपकी जितनी इमीजिएट सहायता हम कर सके वो करेंगे। इसके साथ ही कुछ सावधानियाँ भी हमें यात्रा के टाइम में बरतने की ज़रूरत है। इसमें दो सावधानियाँ मैं सबसे अहम मानती हूँ। एक जो है साइबर फ्रॉड, कुछ इससे पहले की यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं नोटिस में आई है कि जिसमें जो भी यात्री आते हैं उनके हेली टिकट और होटल बुकिंग के नाम पे काफ़ी सारी ठगी हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसी ठगी या साइबर फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली आपके नियरेस्ट पुलिस चौकी या फिर या पुलिस कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 1930 इस हेल्पलाइन नंबर पर इमीडिएटली आप कॉल करके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी मैं आपको सावधानी बरतने के लिए कहूँगी कि जो भी आपकी मेडिसिंस है, जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधी जो इक्विपमेंट्स है वो अपने साथ लेके आए, और यात्रा में अगर आपको कभी भी कोई भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से जो है मेडिकल सेवाएँ अवेलेबल है, उनसे आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस सभी के बारे में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी अवेलेबल होगा या उपस्थित होगा उससे आप संपर्क करके ये सुविधा है जो है अवेलेबल कर पा सकते हैं। मैं फिर से पुलिस अधीक्षक के नाते आप सभी का केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए फिर से स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ और आप सबको आने वाली केदारनाथ यात्रा के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।